श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। प्रत्यक्षकरण साधना आप सभी करते हैं, सबको मन होता है कि प्रत्यक्षकरण साधना करें, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि हमेशा मैसेज कॉल करते हैं कि उनको देवी की हाजिरी चाहिए, मतलब देवी उनके शरीर में आनी चाहिए। जो पुराने ग्रंथ हैं, जैसे काली किताब है, रावण संहिता है, मारिस तंत्र है, इन सब किताबों में ये व्याख्यान है कि देवी देवता किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन ये उस समय की बात है जब सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, तो कहा जाता है कि कालांतर में हमारा शरीर भी छोटा हुआ है और हमारे शरीर का एनर्जी सोखने का क्षमता भी कम हुआ है। मेरा ये मानना है कि किसी भी तरह की दैविक शक्ति अगर आपके शरीर में प्रवेश करेगी तो आपके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। हाँ, ये भले हो सकता है कि दैविक शक्ति जो है आपके ऊर्जा क्षेत्र में आ जाए और फिर आप उसकी तरफ बोलने लगे, या फिर एक ऐसा पोर्टल खुल जाए जिससे कि आप अनंत ज्ञान उस समय काल के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो खैर, ये मेरी सोच है, लेकिन हाजिरी में लोगों की का बहुत विश्वास है, चौकियां लगाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो आप में से जो ऐसे हैं जो चौकी लगाते हैं उनके लिए ये विधान मैं बता रहा हूँ। शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन द्वितीया को इस मंत्र को आप शुरू करेंगे जाप करना और 15 दिन में 125,000 जाप करेंगे। ठीक है, मतलब कि शुक्ल पक्ष के द्वितीय को आपने शुरू किया और कृष्ण पक्ष के द्वितीय को आप खत्म करेंगे। ठीक, 9 बजे रात में आपको ये साधना शुरू करनी है, स्नान ध्यान करके साफ सुथरा होकर के 15 दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस पूरे साधना काल में आप घी के दिए जलाएंगे और साथ में अगरबत्ती जलाएंगे। बीच बीच में आपको क्या करना, जैसे एक दिन का जाप चल रहा है, अब अंत होने वाला है, तो एक चांदी की कटोरी लेंगे और उसमें कपूर जला करके उसका जो काजल बनेगा उसको रखते जाएंगे। इससे क्या होता है कि ये जो काजल है यही अभिमंत्रित होता है। तंत्र में काजल का बहुत प्रयोग है, जैसे उल्लू तंत्र आप जब सीखिएगा तो जो भूत प्रेत को देखने के लिए भी एक काजल बनाई जाती है जो कि उसके खोपड़ी में बनती है, उसी तरीके से इस पूरी साधना में जो 125,000 आप जाप करते हैं, इसमें माँ भगवती की जो सवारी आती है उस इस काजल के माध्यम से आती है। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम महाकाली नमः। ओम ह्रीम क्लीम महाकाली नमः। फिर एक बार मंत्र सुनिए, ओम ह्रीम क्लीम महाकाली नमः। अच्छा, ये जो आप साधना करेंगे 15 दिन के, इस 15 दिन में एक तो ब्रह्मचर्य का पालन मैंने बता दिया, साफ सुथरा रहना है, भोजन आपको एक ही बार करना। वो भोजन क्या होगा, आप जब इस मंत्र का जाप करेंगे तो माँ भगवती को प्रसाद रूप में खीर चढ़ाएंगे और यही खीर आपका भोजन होगा। एक बार जब आपका साधना समाप्त हो जाएगा तो आपको इस जो आपने अभिमंत्रित करके जो काजल लिया है उस काजल को किसी शुद्ध हृदय वाले इंसान, अगर आप खुद को शुद्ध हृदय मानते हैं तो आप ले सकते हैं, अगर आप में पहले सवारी आती है तो आप ले सकते हैं, या किसी अबोध बालक, मतलब जो 12 साल से कम का हो, जिसको बोध ना हो कि उसको क्या सवाल पूछा जा रहा है, उसके नाखून में ये काजल लगाने से उसमें जो है माँ का भाव आता है। देखो, ये चौकी आना, भाव आना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, उसी में से ये एक चीज़ होता है जिसमें लोग किसी का भी भूत और वर्तमान बता देते हैं। इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है। कहा जाता है कि हमारे चारों तरफ जो एक आकाशिक लाइब्रेरी है उसमें मैं जो बोल रहा हूँ, तुम जो बोल रहे हो, सब रिकॉर्ड होता जाता है। तो हमारे चारों तरफ अनंत लाइब्रेरी है, जब से ये ब्रह्मांड बना तब से हर चीज़ इसमें नोट किया हुआ है। तो कुछ क्षण के लिए अगर आपको इस आकाशिक लाइब्रेरी को पढ़ने की शक्ति मिल जाती है तो आप किसी भी चीज़ की जानकारी आपके पास रहेगी। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके का
एक व्यवस्था खड़ा होता है जब किसी में भाव आता है। ये एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो मुझे समझ में आता है। इसके अलावा हनुमान जी की भी हाजिरी होती है, गुरुओं की हाजिरी होती है। मैंने अपने जीवन में एक बार नाथों की हाजिरी देखी थी, मुझे नहीं समझ में आया, तब से मैं विश्वास नहीं करता। शायद किसी दिन मुझे विश्वास हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने नहीं देखी, हमने नहीं जानी है, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं नकारता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आज तक मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके चलते मैं इस पर विश्वास करूँ। लेकिन आप लोगों ने साधना मांगा था, मेरा कर्तव्य था आप लोगों को साधना देना, तो ये लीजिए साधना। माँ भगवती देवी काली आप लोगों पर ढेरों ढेर आशीर्वाद बरसाए, ऐसी मेरी कामना है।